राजस्थान के 27,000 ग्राम पंचायत सहायक भाई बहनों से नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि जो लंबे समय से आंदोलन की मांग कर रहे थे और सरकार ने जो चुनाव में हमें नियमित करने का वादा किया था, लेकिन उस वादे पे आज तक अमल नहीं होने के कारण जो 27,000 पंचायत सहायक भाई बहनों में आक्रोश था, उस आक्रोश को आगे बढ़ाते हुए संगठन ने आज परमिशन की समस्त प्रक्रियाएँ पूरी कर दी हैं और आगामी विधानसभा सत्र आरंभ होने के साथ ही 9 सितंबर को 22 गोदाम विधानसभा के पास अनिश्चितकालीन धरने पड़ाव का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। प्रदेश के समस्त 27,000 भाई बहनों से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि वह अपनी नियमितीकरण की मांग को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस धरने में पधारें। मैं सभी 27,000 पंचायत सहायक भाई बहनों से निवेदन करना चाहता हूँ कि धरने में आप जितनी शांति बनाकर रखेंगे, सफलता की तरफ आप उतने ही तेज़ी से बढ़ेंगे। आपसे निवेदन है कि आप 9 तारीख को 10 बजे धरने में पहुंच जाएं, शाम तक धरने में अपने को रुकना है। शाम को समस्त भाई बहनों को धरने को छोड़कर अपने अपने एमएलए के क्वार्टर पे जाना है और वहां पर रात का जो कार्यक्रम है वह एमएलए के क्वार्टर पर रखना है। जिन भाइयों के पास एमएलए क्वार्टर पर जाने की व्यवस्था नहीं है, वह समस्त भाई बहने धरना स्थल पर ही रहेंगे और धरने स्थल पर रुकने की समस्त व्यवस्था संगठन के द्वारा करने की भरकस प्रयास किया जा रहा है। किसी तरह से किसी भाई बहन को घबराने की ज़रूरत नहीं है। सभी भाई बहनों को ज्ञात है कि 27,000 भाई बहनें पिछले काफ़ी समय से मांग कर रहे थे कि धरना क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। तो अधिकतम दाब के लिए धरने को थोड़ा आगे बढ़ाया गया था। अब क्योंकि विधानसभा शुरू हो गई है और अपने धरने का पूरा कार्यक्रम तय हो गया है, किसी भाई बहन को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। धरना अलवर चलेगा और घर से अपनी तैयारी इस तरह नहीं करके आए कि आज आए और शाम को ही घर रवाना हो गए। अगर आप शाम को रवाना हो गए तो आप असफलता की तरफ बढ़ोगे। आप घर से पूरी तैयारी के साथ आए, आपको 2 दिन 5 दिन 10 दिन यहाँ रुकना पड़ सकता है और यह धरना तब समाप्त होगा जब तक हम जीत की तरफ नहीं बढ़ेंगे। सरकार हमें लिखित में कोई आश्वासन नहीं देगी, ये अब आपके ऊपर निर्भर है कि आप इस धरने को सफल बनाएंगे या असफल बनाएंगे। कल को आप समय से छोड़कर अगर धरने को चले गए तो असफल आप होंगे, इसकी जिम्मेदारी भी आप ही की होगी। इसलिए समस्त भाई बहनों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि वह धरने को सफल